स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला चंबा द्वारा आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा के सभागार में विश्व कुष्ठ रोग दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने की। आयोजन की शुरुआत में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस आयोजन में स्वास्थ्य खंड पुखरी एवं स्वास्थ्य खंड चूड़ी की लगभग 40 आशा कार्यकर्ताओं एवं लेप्रसी हॉस्पिटल के स्टाफ ने भाग लिया। इस मौके पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर हरितपुरी द्वारा उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। इसका पाप ईश्वर के दंड या धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस रोग के शुरुआती लक्षणों में शरीर पर लाल या तांबई रंग के धब्बे होना, जिसमें संवेदनशीलता नहीं होती है। अन्य लक्षण मांसपेशियों में कमजोरी, त्वचा पर घाव, हाथ, पैर, टांगों और हाथों में सुन्नता हो सकते हैं। आज दिनांक 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है वो सीएमओ ऑफिस के जो सभागार में है, जो उसको आज मनाया गया। इसमें मेनली जो है, जो आशाज है विभिन्न खंडों से, वो आज यहाँ पर उपस्थित थे और उन्हें कुष्ठ रोग के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जो है जानकारी दी गई। लगभग 30 से 35 आशा जो हैं आज उन्होंने यहाँ पर इस जो विश्व कुष्ठ रोग व एंटी लेप्रोसी डे में जो है वो आज भाग लिया। और इसके साथ साथ जो हमारा अगले 2 हफ्ते तक जो है स्पर्श कैंपेन जो होता है, स्पर्श लेप्रोसी कैंपेन, वो भी चलाया जाएगा, जिसमें आशा जो है गांव स्तर पर जो है बैठकों में भाग लेंगी और लेप्रोसी के प्रति लोगों को जानकारी व जागरूक करेंगी। इसमें मुख्य तौर पर आशा को जो है इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं लेप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं, जिसमें मेनली जो ये कुष्ठ रोग है ये त्वचा और तंत्रिकाओं को जो है ये प्रभावित करता है, और ये जो है एक संक्रामक रोग है जो कि किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से जो है ये उसके कांटेक्ट में आने से जो है वो कुष्ठ रोग जो है वो फैलता है। और ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है और इसमें जो लक्षण है उसमें आने में लगभग 5 से 10 या 15 साल भी जो है व्यक्ति में वो लग जाते हैं इसमें लक्षण आने में। तो जैसे मैंने बताया कि ये त्वचा और तंत्रिकाओं को जो है मोस्टली प्रभावित करता है, जिसमें जैसे त्वचा में किसी प्रकार के सफ़ेद या लाल या तांबे रंग के जो है कुछ जो है दाग धब्बे जो है वो दिखाई देते हैं, और जो तंत्रिकाएं हैं वो उसमें जो है लॉस ऑफ सेंसेशन जो है वो भी जो है ये नर्व्स को जो है ये पेरिफेरल नर्व्स को जो है ये डैमेज करता है कुष्ठ रोग। और इसके साथ साथ आशा को ये भी बताया कि जो समाज में गलत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ये हाथ लगाने से, किसी कुष्ठ रोगी को छूने से ये रोग फैलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेनली जो है कोई कुष्ठ रोगी के संक्रमित कुष्ठ रोगी के जो है संपर्क में आने से जो है ये रोग फैलता है, और साथ साथ इसका इलाज जो है वो पूर्णतः संभव है। 1 साल का जो है इसका जो है स्टैंडर्ड जो है इलाज चलता है, जिसमें हम मल्टी ड्रग थेरेपी MDT जो है उसका उपयोग करते हैं, जो कि सभी सरकारी संस्थानों में जो है मुफ्त में जो है जो कुष्ठ रोगी है उनको ये उपलब्ध जो है वो करवाई जाती है मासिक स्तर पर। और इसके साथ साथ जो है अभी चंबा में अभी टोटल जो है वो 13 कुष्ठ रोगी हैं जो उपचाराधीन हैं, जिसमें पिछले वर्ष 9 कुष्ठ रोगी जो है वो नए डायग्नोस हुए थे, और जो 4 कुष्ठ रोगी हैं वो पहले से उनका इलाज जो है चल रहा है। साथ साथ मैं सभी जिलावासियों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि कुष्ठ रोगियों के साथ जो समाज में एक गलत जो भेदभाव या गलत उनके प्रति भ्रांतियाँ फैली हैं उसे भी दूर करने में मदद करें।